नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय रिपेयर्स लैब चैनल। मैं आज फिर से आपके लिए कस्टम रोम एंड कस्टम रिकवरी लेके आ चुका हूं, जिसका मॉडल नंबर है XT1902 लेनोवो K8 प्लस। ऑफिशियल जो रोम है वो एंड्रॉयड 8.0 है, सिस्टम का जो ऑफिशियल आता है वो। अब हम इसको 8.1 अपग्रेड करेंगे। इसमें 8.0 में क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस का एरर आ रहा है, वो उससे हायर वर्जन मांग रहा है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे मैंने इसकी कुछ कस्टम रोम्स की फाइल्स जो है वो ढूंढी है और अब हम इसे अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के लिए आपको चाहिए एक पीसी, मतलब कंप्यूटर, और उसके अलावा आपको एक चाहिए डेटा केबल, इंटरनेट कनेक्शन। इसमें आपको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट पीसी से कस्टम रोम है जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग के बाद जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में जब हम अबाउट के अंदर जाएंगे तो अबाउट के अंदर जाके हमें डेवलपर मोड जो है उसको ऑन करना है। और डेवलपर मोड ऑन करने के लिए बिल्ड नंबर पे आपको 4 से 5 बार एक साथ क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी डेवलपर मोड ऑन कर चुका हूँ, इसके लिए इस तरह का लिखा हुआ है। फिर डेवलपर ऑप्शन में जाना है या आपको OEM अनलॉक को ऑन करना है। मैं ऑलरेडी बूटलोड अनलॉक कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। बूटलोड OEM अनलॉक टिक कर दिया, फिर USB डबिंग पे भी ऑन करना है और डेटा केबल लगा के PC से फोन को कनेक्ट करना है। PC से फोन को कनेक्ट करने के लिए आपके पास ADB का ड्राइवर, जिससे जब कनेक्ट करेंगे तो एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा आपके PC में, जिस तरह का मैंने आपको बताया। फिर आपको एक चाहिए ऑल इन वन टूल। अब यहाँ आपको देखो, जब आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको फोन जो डिवाइस है ADB डिवाइस वो कनेक्ट किया हुआ इसके अंदर दिखेगा। आप नहीं दिखता है तो 2-3 बार चेक पे क्लिक कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, रिबूट टू बूट लोडर पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, फास्ट बूट मोड में रिबूट हो जाएगा। फास्ट बूट रिबूट होने के बाद बूट लोडर स्टेटस पे क्लिक करिए। मेरा ऑलरेडी, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि बूट लोडर अनलॉक है, फिर भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर बूट लोडर अनलॉक पे क्लिक करना है और आपको यस प्रेस करना है। फ़ोन के अंदर इस तरह का मैसेज आएगा यस और नो का, तो आपको वॉल्यूम प्लस बटन दबा के यस कर देना है। यस करने के बाद रिबूट सिस्टम पे क्लिक करना है। रिबूट सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन जो है आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद आपके फ़ोन में ऑरेंज स्टेट करके एक एरर आ सकता है स्क्रीन के ऊपर, वो बूट लोडर अनलॉक होने के बाद मीडियाटेक डिवाइस में आता ही है। तो ऑरेंज स्टेट का अगर कोई एरर आता है, बूट इमेज का कोई एरर आता है, तो आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको स्किप वाला प्रोसेस पूरा करना है, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक होने के बाद सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, मतलब फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस वही, सेटिंग पे जाना है आपको, यहाँ पे सिस्टम पे जाना है, अबाउट पे, बूट पे 5-6 बार क्लिक करना है, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। जब डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा तो आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है और यहाँ से USB डबिंग जो है उसको ऑन कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ परमिशन मांगेगा, अलाउ कर दीजिए। फिर हम ऑल इन वन टूल फिर से खोलेंगे, फिर हम चेक पे क्लिक करेंगे। इस बार हमारा फ़ोन बूट लोडर अनलॉक तो हो चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना है, कस्टमर रिकवरी फ्लैश करना है। TWRP रिकवरी फ्लैश करने के लिए फिर से आपको रिबूट टू बूट लोडर पे क्लिक करना है। जब रिबूट ये फास्ट बूट मोड में वापस रिबूट हो जाएगा, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, रिकवरी फ्लैशर एंड रूटर पर जाएंगे। नॉर्मल रिकवरी फ्लैश पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रिकवरी की एक इमेज ले लेंगे इसकी खुद की। मैं इमेज की और टूल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको यहाँ पे ओके करना है। ये कुछ ही सेकंड में फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद
आपको टूल से रिबूट नहीं करना है। टूल से आपसे आपको रिबूट नहीं करना है। वॉल्यूम माइनस और पावर बटन दोनों को 10 से 15 सेकंड तक एक साथ दबा के रखना है। वॉल्यूम माइनस एंड पावर की दोनों को 10 से 15 सेकंड एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये फास्ट बूट मोड में जाएगा। यहाँ से आपको रिबूट टू रिकवरी पे पावर की दबा के ओके करना है। ऐसे वॉल्यूम माइनस से लाया रिकवरी मोड, अब पावर बटन दबा दिया, पावर बटन दबा दिया। अब फ़ोन क्या होगा, इस तरीके से रेड स्टेट एरर आएगा स्क्रीन के ऊपर, सॉरी ऑरेंज स्टेट एरर आएगा स्क्रीन के ऊपर। और ऑरेंज स्टेट आने के बाद अब आपको क्या करना है, ब्लैक स्क्रीन होने के बाद वॉल्यूम प्लस और पावर की, वॉल्यूम प्लस एंड पावर की जब दबाएंगे तो अनऑफिशियल जो TWRP की रिकवरी है वो आपको शो करेगी फ़ोन के अंदर। एकदम इजी ट्रिक है, कोई कमांडिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कमांड नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली एक टूल से, और टूल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री वाले टूल से कस्टम रिकवरी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को जो है वो प्रॉपर फॉलो करना है। हो सकता है मेरा साउंड थोड़ा आगे पीछे हो जाए वीडियो में, क्योंकि वीडियो मुझे एडिटिंग वीडियो की इतनी अच्छे से नहीं आती है। फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं जो मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है वो मैं वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। या मैंने कोई कस्टम रोम या कस्टम रिकवरी इंस्टॉल की है और कुछ दोस्तों को इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं ज़रूर वीडियो YouTube पे अपलोड करता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। TWRP तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें क्या करना है, ADB साइड लोड पे जाना है सब फॉर्मेट करने के बाद, और वाइप डेल्विक और कैचे पे टिक करना है और स्टार्ट टू साइड लोड मोड पे क्लिक करना है। साइड लोड मोड जब इसका स्टार्ट हो जाएगा तो आपका फ़ोन फिर से आपको एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर PC में कनेक्ट किया हुआ दिखेगा। और जब आपका बार बार एरर आ जाए, डिवाइस नॉट फाउंड आए, तो क्या करना, टास्क मैनेजर ओपन करना और ADB जो है उसको फोर्सली क्लोज कर देना। डिवाइस नॉट इनसाइड स्लाइड डाउन मोड आ रहा है, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। और डिवाइस को क्या करना है, अगर इस तरह का कुछ भी एरर आ रहा है तो डिवाइस को डिसकनेक्ट कर दीजिए, फिर से कनेक्ट करके कर दीजिए तो आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। फ्लैशिंग कंप्लीट होने में कुछ टाइम लेगा, ये अप्रॉक्स 15 मिनट्स लेगा, उसमें आपका फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन को आपको रिबूट नहीं करना है, फिर से वापस स्लाइड लोड मोड में डालना है और दोनों पे वाइप पे क्लिक करना है और स्लाइड कर देना है, फिर आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गूगल ऐप्स GApps की जो जिप फाइल है उसको फ्लैश करेंगे। ओपन GApps 64 बिट का लेना है आपको 8.1, और फिर वापस से सेलेक्ट करके कनेक्ट टू फोन पे क्लिक करना है। आ गया हमारा K8 प्लस कनेक्ट और फ्लैशिंग स्टार्ट। अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कैसे टास्क मैनेजर ओपन करना है। अगर ADB उसके अंदर पहले से किसी टूल में रन है तो फोर्सली ADB को आपको एंड टास्क करना है ताकि वो क्लोज हो जाएगा, और गूगल क्रोम का जो ADB टूल है वो कमांडिंग वाला इसमें रन होगा। स्लाइड डाउन मोड भी हो चुका है कम्प्लीट। अब हमें क्या करना है, रिबूट टू सिस्टम करेंगे। यहाँ आप TWRP ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, आप नहीं करना चाहते हो तो अनटिक कर दीजिए और ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। फ़ोन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब ये पूरा बूट होने में 20 से 25 मिनट लेगा। उसके बीच आपको पावर बटन नहीं दबाना है, किसी तरह का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट में फ़ोन स्टार्ट होगा, उसके बाद वही स्किप वाला ऑप्शन, स्किप नेक्स्ट करना है। फ़ोन की आ गया, ये देखिए हमारा फ़ोन का कस्टम रोम जो है लिनोवो। इसमें आपको गूगल का सिर्फ गूगल प्ले स्टोर ही मिलेगा, गूगल की सर्विसेज में गूगल प्ले सर्विस और प्ले स्टोर दोनों। अबाउट ये देखिए एंड्रॉयड 8.1 है, इसमें IMEI नंबर और NV डाटा आपका सब सेफ रहेगा, सिम कार्ड भी इसमें वर्किंग है नो डाउट, कैमरे की क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको भी मज़ा आ गया और आपका फ़ोन का कस्टम रोम इंस्टॉल हो चुका है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू।